प्यारे दोस्तों, 90 के दशक के कुछ एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग छाप छोड़ रखी है और अपनी फिल्मों से सभी को दीवाना बना रखा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र सिंह जी की। चाहे आज धर्मेंद्र जी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी हो, लेकिन इनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इनकी वाइफ से रूबरू कराएंगे। वे कौन हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। अगर आप भी धर्मेंद्र जी को करते हैं पसंद तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का रियल नेम धर्म सिंह थियोल है और इन्हें धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली पंजाब में हुआ। धर्म ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालटोन कलान से की और अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1960 को दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी से की। इसके बाद इन्होंने धर्मवीर, शोले, हुकूमत, सम्राट और यमला पगला दीवाना 2 जैसी कई सुपरहिट मूवीज़ की। दोस्तों, अगर बात करें इनके लाइफ पार्टनर की तो इन्होंने अपनी पहली शादी साल 1954 को प्रकाश कौर से की, जिनसे इन्हें 2 बेटे सनी धियोल, बॉबी धियोल और 2 बेटियां विजिता और अजिता हुई। दोस्तों, शादी के बाद धर्म जी की ज़िंदगी में हेमा जी की एंट्री हुई। 7 फिल्मों में काम करते करते धर्म जी को कब हेमा जी से प्यार हो गया ये बात वे खुद भी नहीं जान पाए, जिसके चलते धर्म जी ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश से डाइवोर्स लेकर साल 1980 को हेमा मालिनी से शादी कर ली और इनसे इन्हें 2 बेटियां ऐशा और आहना धियोल हुई। तो दोस्तों, ये थी धर्म जी की वाइफ। आपको इनकी कौन सी मूवी पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, आपको धर्म जी की और हेमा मालिनी की जोड़ी कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।